हेलो, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब ठीक होंगे, और मेरी दुआ से इंशाल्लाह आप हमेशा ठीक ही रहेंगे, और आपकी दुआ से मैं भी ठीक हूँ। आज का इफ्तारी का हमारा ये प्रोग्राम बना है कि मेरे हस्बैंड ने अचानक से फ़ोन किया है काम से ही कि आज इफ्तारी मतलब कि खाना हम लोगों ने बाहर ही खाना है। तो वो कह रहे थे मैं जैसे आऊँ कि तुम लोग रेडी रहना, को प्लीज़ मैं बाहर आऊँ और हम लोग निकल जाएँ, क्योंकि उन्होंने सेंटर अंदर किसी रेस्टोरेंट में रख दिया ना, मुझे पता नहीं कहाँ जा रहे हैं। तो उन्होंने बताया तो, लेकिन अभी उसका फ़ोन आया मेरे हस्बैंड का कि मैं बस 10 मिनट दूर हूँ, तो मैं भी रेडी हो गई हूँ, वारिस भी रेडी हो गया। सडनली अचानक ही प्रोग्राम बना है, मतलब इफ्तारी से 1-2 घंटे पहले ही उन्होंने बताया। तो बस मैं जैसे तैसे करके रेडी हो गई हूँ, तो खजूर खाई है मैंने, रूह अफ़ज़ा मैंने पी लिया है क्योंकि रोज़ा इफ्तार हो गया है। तो उन्होंने कहा था कि रोज़ा इफ्तार हम लोग वहाँ करेंगे, लेकिन यहाँ की ट्रैफिक और यहाँ से काम से यहाँ तक आना ये भी बहुत बड़ा काम है। तो बहरहाल हम लोग तो बहुत ज़्यादा भूखे हैं क्योंकि अभी डिनर कुछ भी नहीं खाया, तो समझ लें आज की इफ्तारी हमारी बाहर ही है, बस खजूर और रूह अफ़ज़ा पी है। वहाँ पर पहुँच के मैं आपसे बात करती हूँ। चलें जी, फिर ये लोग वेट कर रहे हैं और मैं बस निकलती हूँ। और जैसे हम कौन से रेस्टोरेंट जा रहे हैं ये तो अभी पता नहीं है, लेकिन ये जो आज हमारा अचानक से ऐसे प्रोग्राम बना है, ये जैकेटों की पैकिंग से ना मैं हो गई हूँ आवाज़दार, तो बारिश थोड़ी कम हुई है। तो बस चले निकलते, फिर वहाँ चल के मिलती हूँ मैं। हल जी, हम लोग पहुँच गए हैं यहाँ पे सेंट्रल लंदन, और मैं अभी दिखाती हूँ आपको रेस्टोरेंट। क्या नाम है रेस्टोरेंट का? बाबा गनोज। ओके, ये जी रेस्टोरेंट मेरा हस्बैंड लेके आए, मुझे तो पता भी नहीं, फर्स्ट टाइम हम आए हैं। तो वो आगे KFC भी है, मैं तो इस लाइन पर भी फर्स्ट टाइम आई हूँ। चलते हैं अभी अंदर देखते हैं। सुनो बेटा, ये दोनों तो बिस्मिल्लाह, ओह माय गॉड। अभी चलते हैं, वो खाना जब आएगा तब देखेंगे क्या बनता है। ये देखिए जी, ये देखिए जी, अभी मैं खाऊंगी फिर पता चलेगा इंशाल्लाह। यहाँ पे आई थिंक पिज्जा बनता है, बैठना तो देना पड़ेगा। मंगा लो बड़े चिप्स, मंगा लो एक चिप्स, मंगा करिए आ जाओ फिर। क्या भी वन चिप्स ऑल्सो, थैंक यू दिस इज अ माय प्लीज वाटर। ये बहुत अच्छा मिंट वाटर। या अच्छा, ये कौन सा जूस है? ये वाला अनार का, और मेरा ये अपना वाटर मंगवाया है, आइस निकलवा देना। वेरी नाइस, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। अभी मैंने 5 पे किया जी। अभी मैंने आपको दिखाया है जैसे जैसे खाना आता जाएगा, और इस वक्त तो खाना इतना ज़्यादा मतलब भूख लग रही है कि हम लोग अपने घर से यहाँ तक आए हैं ना, तो 1 घंटा लग गया भैया पहुँचते हुए। तो गाड़ी में वीडियो नहीं बना सकी, उसके लिए सॉरी हूँ। क्या बनाती सड़कों की, इसलिए मैं यहाँ पहुँच के बना ली। जैसे जैसे खाना आएगा मैं वीडियो बनाती जाऊँगी साथ साथ। और ये रेस्टोरेंट में मेरे हस्बैंड ने अपने दोस्तों का दावत थी, अपने दोस्तों का खाना खाया हुआ है, इसलिए फिर मैं आज यहाँ आई हूँ इनके साथ। अब यही हमारी इफ्तारी है और यही हमारा डिनर है। चलेंगे, ये आ गई हमारी रोटी, ये हुम्मस है, ये भी हुम्मस ही है, और ये उन्होंने अखरोट रखे हुए हैं ना, ये लोग खाते हैं कुछ रोटी। हाँ, मैं मुझे तो बहुत पसंद है हुम्मस। जीरो पॉइंट फाइव की बहुत मजेगा। एक्चुअली मुझे बहुत भूख लग रही है, इसलिए बहुत मजेगा। अब ये भी टेस्ट करती हूँ, ये क्या है ना,
मेरे को पता भी नहीं क्या है, कितनी चीज़ों का नाम ही नहीं आया। नहीं क्या है, पता नहीं क्या है, बहुत टेस्टी है। इसमें अखरोट में बना हुआ है, इनका कुछ स्पेशल है, ये अखरोट है, इनका स्पेशल होता है ना सारा। मैं अभी ना वीडियो बनाऊंगी खाने की सारी, उधर क्या क्या बन रहा है। खा के बताओ बेटा। नाइस। और पापा ने, इसके पापा ने फिश मंगाई है और ये खाएगा शौक से। अभी मैं भी आपको खा के बताती हूँ, लेकिन मेरा हाथ सीधा कि मैं अपने हस्बैंड को कैमरा देती हूँ, वो पकड़ लेंगे ऐसे मैं खा के बताती हूँ। मैं कोटी ज़्यादा ही बढ़ी है। पापा की फिश है ये तो बड़ा कैसे खाई जाएगी, अच्छा चाहिए बड़ा फिश, बड़ा कितनी फ्रेश फिश है, इतनी फ्रेश फिश नहीं खाई होगी आपने। ये सॉस भी दी है उन्होंने साथ, इतनी फ्रेश है बेटा। मैंने अभी फिश भी ट्राई की है और फिश की वाइट सॉस बहुत मज़े की है, बहुत ही टेस्टी है। तो साथ साथ मैं खाना भी खा रही हूँ और साथ साथ मैं वीडियो भी बना रही हूँ। फिश भी बहुत मज़े की है, वाइट भी मैं कैमरे की तरफ अभी देख रही हूँ, पहले मैं अपनी ही तरफ देख रही थी। आज हम लोग आए हैं, अब यकीन करें गाड़ी में इतना पसीना आ रहा था कि मेरा दिल घबरा रहा था। तो सारा सारा खाना भी खाती हैं और आपसे बातें भी करती हैं, और मैं इनका आपको किचन भी प्रॉपरली दिखाऊंगी कि बाबा क्या नाम है रेस्टोरेंट का, प्रॉपर गनूश, बाबा गनूश। और इधर का मैनेजर का नाम, मैनेजर का नाम है राबी, क्योंकि वो मेरे हस्बैंड के ही बेस्ट फ्रेंड हैं, तो उन्हीं की वजह से हम लोगों ने, उन्होंने आज हमें इफ्तारी का डिनर करवाया। चले थैंक यू वेरी मच, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है लोगों का। उनका वेटर, जो वेटर है वो भी बहुत अच्छे हैं, अच्छे हैं लोग हैं। चले मैं पहले खाना खाऊँ फिर बाद में आप बात करती हूँ। वेरी नाइस, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। अभी मैंने सारी वीडियो बनाई है अंदर इनकी किचन के भी,
और मतलब बनवाई है खुद मैंने, ये किचन के अंदर जाना अलाउ नहीं है, तो वो दूसरे जो सेकंड मैनेजर है ना, सेकंड मैनेजर कहते हैं, कहते जो मैनेजर छोटा होता कहते हैं असिस्टेंट मैनेजर, सॉरी जो असिस्टेंट मैनेजर है, मैंने उनको बोला कि प्लीज़ आप जाके अंदर प्रॉपर सा बना दें, उन्होंने बनाई है। और माशाल्लाह ये इतना रश है ना इधर, अभी ऐसे टेबलें खाली होती हैं दूसरी टेबलें आ जाती हैं, तो प्लीज़ आप लोग भी आइए और आके यहाँ पे खाएं और बताएं कि सहरा असलम भी यहाँ आई थी विद फैमिली और यहाँ पे हम लोग खाना खा के गए थे, हम लोगों ने बहुत इंजॉय किया क्योंकि आज ही हमारी इफ्तारी का डिनर है, सब खा रही है जी, हम लोगों ने सारा फिनिश हो गया, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, बस फिनिश है, सब खा गया हम लोग, सब चटम 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 हो गया, इसलिए ये ब्रेड नहीं खाए, नहीं खाई तो खा लिया खाना और दिल कर दे अब तो सो जाए, अब ये दिल कर रहे हैं कि घर नज़दीक हो और हम घर चले जाए, लेकिन अब घर जाने और अभी मैंने स्वीट खाई, बड़ी बड़ी मज़ेदार है, बहुत टेस्टी है, बस थोड़ी देर बैठेंगे फिर निकलेंगे इंशाल्लाह। ये देखे जी वो भाई, हर दफ़ा नाम बोलूँगी, मैनेजर का क्या नाम है, राबी, राबी, ये जो राबी मैनेजर है ना, ये जी मेरे हस्बैंड को बोल रहे हैं कि आपके लिए स्पेशल बनाया है, हालांकि ये तो मैंने खा लिया है, नहीं ये स्पेशल, ये स्पेशल है, अभी ये खा के बच्चे खाए बताए कैसा है, मारस खाएगा और आए तुम्हारे फेस इतने हैं, ये देखे जी मार्स का आगे बताने लगा, बताओ नाइस है, ओके खा ले सभी ना मैडम, और मैं तो अब इसकी बारी, नशल कर दिया सारा, अभी हम लोग खाना खा के निकले हैं, अभी रात के 11 बज गए हैं, तो मुझे तो लगता है घर में से बाल नहीं छोड़े इसने तो रमजान में ना हेयर शेप कर लिया अपने बालों को, सामने क्या है वारिस कौन सी कितनी खूबसूरत है, इनकी जो यूके वालों की पुरानी बिल्डिंग होती है ना, हम लोग कावा पी के आए ना, इंशाल्लाह हजम हो जाएगा, हमारी गाड़ी का है चलो जी चलो, जहाँ पे बाहर निकल के आए हैं तो बहुत बहुत वाली सर्दी है, और क्योंकि शाम की बारिश हो रही थी और मेरे सामने बर्गर किंग है, अभी हम घर जा रहे हैं क्योंकि फ़ोन की बैटरी भी काफ़ी ऑफ हो रही है, तो मैं फिर अभी घर जा के फिर आपसे बात करती हूँ, मुझे तो लगता है यहाँ से घर जाने में भी 1 घंटा लग जाएगा, नहीं नहीं ये नहीं दिखाना मुझे खाना खा के हम लोगों को काफ़ी हंसी आ रही है, बस ये खाना बहुत मज़े का था, जो लोग मुझे यहाँ पे यूके में देख रहे हैं प्लीज़ आप लोग भी यहाँ आइएगा, मैं रेस्टोरेंट पर छोड़ मैं रेस्टोरेंट का प्रॉपर मेंशन करूँगी अपने व्लॉग में, ठीक है, तो प्लीज़ आप आइएगा, यहाँ पे सामने बर्गर किंग है, वहाँ KFC है, और यहाँ पे स्टेशन भी है, क्या नाम है स्टेशन का, कौन सा बोल रहा हूँ, ग्लोचेस्टर रोड स्टेशन, हाँ ये इधर स्टेशन है और उधर सामने उधर इधर ही रेस्टोरेंट है, ये वाला क्या नाम है रेस्टोरेंट का, बर्गर किंग, पता है रेस्टोरेंट सामने बर्गर किंग तो है नहीं, अच्छा, बाबा अरूज पे बर्दास्त है, बाबा अरूज है क्या नाम है बाबा, बाबा कनूज, बाबा अरूज है, बाबा कनूज यहाँ से स्टेशन से बिल्कुल राइट पे है, आपने आना है और खाना है, ठीक है, अभी आज का हमारा इफ्तारी की तो बस रास्ता नहीं है, और डिनर इफ्तारी मैंने घर पे हम लोगों ने कर ली थी, और डिनर हमने यहाँ आके किया है क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा सर्दी लग रही है, तो बस ठीक है, फिर इफ्तारी में इंशाल्लाह ताला आज की सहरी में या कल की इफ्तारी में मुलाकात होगी, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़ कर दो बेटा, इधर आओ बेटा हम लोग काफ़ी इंजॉय कर रहे थे, ओके